दोस्तों, दुनिया में कई सारे पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पक्षी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और शांत स्वभाव के होते हैं, जिन्हें हर कोई अपने घर में पालना चाहता है। वहीं पर कुछ पक्षी खूबसूरत होने के साथ साथ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनके पास भी जाना कोई भी पसंद नहीं करता है। अब जरा इसी पक्षी को देख लीजिए, ये देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये पक्षी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसे छूते ही किसी की भी जान जा सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा आप ईगल के बारे में तो जानते ही होंगे। ये पक्षी अपने स्पीड और शिकार करने की स्ट्रेटेजी को लेकर दुनिया भर में हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, क्योंकि इस पक्षी का शिकार करने का अंदाज दूसरे पक्षियों से बिल्कुल ही अलग है। ये ईगल्स भेड़ बकरियों और लोमड़ियों तक को आसमान में उड़ाकर ले जाता है और उन्हें वहीं से फेंक देता है। आखिर दोस्तों, ईगल्स ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताऊंगा, जिनको देखकर आप हर किसी पक्षी से डर लगने लगेगा, क्योंकि ये पक्षी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके पास कोई इंसान तक भी नहीं जाता है। दोस्तों, पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, प्लीज एक लाइक तो दे ही दें। ईगल्स, बादलों का सीना चीर कर उड़ने वाला ये पक्षी, जिसे बाज भी कहते हैं, ये पक्षी बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। इसी के साथ साथ इस पक्षी की रफ्तार और नजर इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये पक्षी आसमान में उड़ते हुए भी अपने शिकार को आसानी से देख सकता है, और इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये आसमान में 180 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। और जब भी कभी पक्षियों के राजा की बात होती है तो बाज का नाम पहले लिया जाता है, और क्योंकि यही एक पक्षी है जो कि रफ्तार के साथ साथ शारीरिक रूप से काफी शक्तिशाली माना जाता है। इन ईगल्स का शिकार करने का तरीका बाकी पक्षियों से काफी अलग है, क्योंकि ईगल्स अपने शिकार को आसमान में उड़ाकर ले जाते हैं और उन्हें वहीं से छोड़ देते हैं। एक ईगल के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को आसमान में उड़ाकर ले जा सकता है। ईगल को ज्यादातर ऐसा करते हुए पहाड़ी बकरियों के साथ ही देखा गया है। ये पहाड़ी बकरी को आसमान में उड़ाकर ले जाते हैं और उसे वहाँ से इसलिए छोड़ देते हैं जिससे कि वो जमीन पर गिरते ही मर जाए और उन्हें इसका शिकार करने में ज्यादा परेशानी न हो। और इसके अलावा ये ईगल या तो पहाड़ों से ही भेड़ बकरियों को धक्का मार के उनकी जान ले लेते हैं, और फिर ये उसके मरने के बाद उसे नोच खा जाते हैं। सीगुल, ये पक्षी ज्यादातर समुद्री इलाकों के आसपास पाए जाते हैं, और ये पक्षी ज्यादातर देखने में सीधे भी लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पक्षी को सीधा समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि ये पक्षी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये दूसरे पक्षियों का शिकार करके उसे जिंदा ही निगल जाता है। और कई बार तो इस पक्षी को खरगोश, बिल्ली, चूहा और कबूतर जैसे पक्षियों का शिकार करते हुए देखा गया है। इस पक्षी का भी शिकार करने का तरीका दूसरे पक्षियों से काफी अलग है। ये एक ऐसा पक्षी है जो कि पानी और जमीन दोनों पर ही रह सकता है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ये पक्षी अपने शिकार के लिए पानी के आसपास ही घूम रहा है, और इसके आसपास बहुत सारे कबूतर भी हैं। जैसे ही एक कबूतर इसके पास आता है, ये पक्षी वैसे ही उसकी गर्दन को दबोच लेता है और उसे पकड़ने के बाद तुरंत ही उसे पानी के अंदर ले जाता है। और ये सीगुल पक्षी कबूतर को पानी में डुबो डुबो कर मार देता है, और इसे बस कुछ ही समय लगता है इस कबूतर को खाने में। इसे किसी भी पक्षी को पकड़ने में इसकी सबसे ज्यादा हेल्प इसकी चोंच से ही मिलती है, जो कि बेहद ही नुकीली और खतरनाक है। जो भी पक्षी सीगुल की चोंच में फंस जाता है, वो दोबारा इसकी चोंच से कभी नहीं निकल पाता। और सीगुल से रिलेटेड एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कि आपको काफी फनी भी लगेगी, ये पक्षी एक दूसरे के ऊपर बैठकर भी उड़ सकते हैं। क्या आपने कभी आज से पहले ऐसे इस तरीके से पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। व्हाइट पेलिकन, पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो कि आपको देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा, लेकिन इस पक्षी को इतना प्यारा समझने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ये पक्षी अपना शिकार बहुत ही खतरनाक तरीके से करता है। इसकी चोंच के नीचे एक थैली नुमा एक जगह होती है, जो कि ये इतनी बड़ी होती है कि ये अपनी इस जगह में बहुत सारी मछलियों को एक साथ पकड़ सकता है। और इस पक्षी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पक्षी अपने भोले से दिखने वाली शक्ल का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाता है, क्योंकि इसका शांत स्वभाव देखकर ज्यादातर पक्षी इसके आसपास ही घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल सा पक्षी है जो कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये पक्षी उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। ये पक्षी मौका मिलते ही अपने आसपास घूम रहे पक्षियों को अपने चोंच में दबा लेता है और बड़ी ही आसानी से उन्हें अपना भोजन बना लेता है। और इसकी चोंच के नीचे ये जो थैली नुमा जगह है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है कि जो भी पक्षी इसके अंदर फंसता है वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, और ये व्हाइट पेलिकन उसके मरने के बाद उसे सीधा ही निगल जाता है। ऐसे ही इसे और भी पक्षियों और कई जानवरों का शिकार करते हुए देखा गया है। रेड टेल्ड हॉग, ये लाल पूंछ वाला बाज ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नॉर्मली वजन 2 से 4 किलोग्राम तक होता है, और इसकी लंबाई 38 से
43 इंच तक होती है। और बाज के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाज कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, वैसे ही ये रेड टेल्ड हॉक नाम का पक्षी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तक मैंने आपको जितने भी पक्षियों के बारे में बताया है, वो सभी पक्षी या तो जमीन पे आकर शिकार करते हैं या फिर तो पानी के अंदर जाकर शिकार करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पक्षी का शिकार करने का तरीका सबसे ही अलग है, क्योंकि ये पक्षी उड़ते हुए भी अपना शिकार कर सकता है। ये उड़ते उड़ते ही किसी भी कबूतर या चमगादड़ को मार गिराता है और अपना शिकार बना लेता है। अगर ये पक्षी एक जगह पर बैठा हुआ होता है और उसके आसपास कोई भी हलचल होती है तो ये उसे तुरंत ही सुन लेता है, और अगर इसके आसपास कोई भी पक्षी आकर बैठ जाए फिर तो उसका शिकार होना बिल्कुल तय है। साउदर्न जायंट पेट्रेल्स, ये पक्षी एक सी बर्ड है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक होते हैं। ये पक्षी पहले अपने शिकार को मारती नहीं है बल्कि उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देती है। तो फिर दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये बर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक है। और ये बर्ड अपना शिकार ज्यादातर समुद्र में रहने वाले जीवों को ही बनाती है। इस बर्ड की चोंच इतनी ज्यादा नुकीली होती है कि ये अपनी चोंच से किसी भी जानवर की चमड़ी को निकाल सकती है। ये पक्षी ज्यादातर पेंगुइन्स का शिकार करते हैं, और ये पक्षी किसी भी जानवर पर अकेले ही हमला नहीं करता है बल्कि इनका पूरा झुंड उस जानवर पर हमला करता है, और फिर इनका पूरा झुंड जरा सही समय में उन्हें पूरा ही नोच खाता है। और ये पक्षी कोई जरूरी नहीं है कि पानी के बाहर ही शिकार करें, बल्कि ये पानी के अंदर भी अपना शिकार कर सकते हैं। पानी के अंदर ये और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर और भी ज्यादा स्पीड से तैर सकते हैं। पिटोही, दोस्तों ये बर्ड दुनिया के सबसे जहरीले बर्ड्स में से एक है। दोस्तों आपने तो देखा होगा कि ज्यादातर बर्ड्स जहरीली नहीं होती है, लेकिन ये पिटोही बर्ड इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि अगर कोई इंसान इसे छूता है तो इसे छूने से उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस बर्ड के ऊपर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। इस बर्ड में ये जहर इसके बचपन से ही नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे ये बर्ड बड़ी होती चली जाती है तो शिकारी जानवरों या शिकारी पक्षियों से बचने के लिए ये ऐसे किसी खास किस्म के फल को खाती है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर ही पॉइजन बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से ना तो कोई शिकारी पक्षी इसके ऊपर हमला कर सकता है और ना ही कोई शिकारी जानवर इसके ऊपर हमला करता है। एम्यून, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी वहाँ का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है, जिसकी लंबाई 6 फीट और वजन 17 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सबसे ताकतवर पक्षियों में से एक है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि इसके पैरों की एक किक ब्रूसली को भी शर्मिंदा कर सकती है। ये पक्षी नॉर्मली तो शांत स्वभाव का होता है, लेकिन अगर इसे किसी से भी खतरा महसूस होता है तो फिर ये उस पे हमला करने से भी नहीं चूकता है। और इस पक्षी की सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आपको जमीन पे लेटकर इस तरीके से करना होगा, तो फिर ये पक्षी आपके पास आने लग जाएंगे। और जैसे ही आप ऐसे पैर करना बंद कर देते हैं या फिर आप उठ के खड़े होने लगते हैं, वैसे ही ये पक्षी आपके पास से दूर भाग जाएंगे। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ऑस्ट्रिच होते हैं। दोस्तों नॉर्मली इसे इंसान देखते ही डर जाता है, क्योंकि इसका साइज ही इतना बड़ा होता है। इनकी हाइट लगभग 7 फीट तक होती है और इनमें 250 किलोग्राम तक वजन होता है। अगर ये पक्षी किसी के ऊपर भी बैठ जाए तो भी उसका दम निकल सकता है। ये पक्षी जानबूझकर खुद से कभी भी किसी पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई इन पर हमला करता है तो फिर ये पक्षी उसे छोड़ते भी नहीं है। इनकी चोंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि अगर ये अपनी चोंच किसी भी इंसान के सिर पर मार दे तो उसका सर ही फट जाएगा। इस अफ्रीकन ऑस्ट्रिच का इतना बड़ा साइज होने की वजह से इनकी भागने में भी स्पीड बहुत ही तेज होती है। ये अपने शिकारी को पीछे भी छोड़ सकते हैं। ग्रेट हॉर्न्ड आउल, इस आउल का साइज नॉर्मल आउल से काफी ज्यादा बड़ा होता है। और आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि आउल अपना शिकार कितने चुपके से करते हैं। जब भी कोई आउल उड़ता है उसके पंखों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती है, और इसी बात का आउल पूरा फायदा उठाता है। ये ग्रेट हॉर्न्ड आउल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी बिल्ली को भी मार सकता है। ये किसी भी पक्षी या जानवर की गर्दन को दबोचकर उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। इन आउल्स को देखकर लगता है कि जैसे कि इनके कान ऊपर की तरफ खड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इनके कान नहीं होते हैं बल्कि इनके पंख होते हैं। जब भी इनसे बड़ा शिकारी इनके ऊपर हमला करता है तो ये अपने पंख फैलाकर कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं, जिससे कि शिकारी पक्षी इनसे दूर भाग जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है।